नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड का। आज हम चर्चा करेंगे जितेंद्र आव्हाड को जो है कुरमुसे मामले में उनका जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो है चार्जशीट दाखिल होने जा रहा है। इसमें उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या है ये पूरा प्रकरण, क्यों ये मामला बढ़ा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतीश जी से। जानेंगे कि कुरमुसे का मामला जितेंद्र आव्हाड पर क्यों भारी पड़ा। सर, क्या लगता है आपको? पहले तो आप ये कुरमुसे का मामला जो है जी वो आप लोगों को समझा दीजिए जी, क्योंकि ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा शायद, और आपको पूरा मालूम है उसका डिटेल। जो डिटेल आपको मालूम है वो बता दीजिए, फिर मैं मेरी कमेंट करूंगा। मगर आज आपका रोल अहम है, क्योंकि आपको पूरा मामला अनंत कुरमुसे तो वो पूरा मामला बता दीजिए, और अभी जो कोर्ट में केस है उसके बारे में आप बता दीजिए, फिर मेरा अभिप्राय जो है वो भी मैं बताऊंगा। सर, अनंत कुरमुसे का जो मामला है जी, ये एक इंजीनियर का, इंजीनियरिंग में काम करने वाला एक नौजवान है वो। अच्छा। थाने के घोड़बंदर रोड पे रहते हैं। और उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, जितेंद्र आव्हाड जो है अपने आप अपना मतलब कि कमर को मालिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसा, मतलब पूरा कपड़ा निकाला हुआ है, खाली अंडरवियर में नीचे पैंट लगा के मालिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, तो मुझे मालूम फोटो है। अच्छा, तो मतलब आपत्तिजनक फोटो है वो। अच्छा। तो उस पोस्ट को लेकर जितेंद्र आव्हाड जी इतना मतलब ये हो गए, क्रोधित हो गए, कि उन्होंने जो है अपने लोगों को जो है कुछ बॉडीगार्ड लोगों को, पुलिस वाले उनके अंगरक्षक थे, उनको कुरमुसे के घर पे, अनंत कुरमुसे के घर पे भेज के और उनको जो है अपने बंगले पे बुलाया। सर, आवाज बढ़ाइए, आपका आवाज कम पड़ रहा है। बंगले बुलाया और उनको एक साथ मारपीट की, यानी मजबूत मारे उनको। उसमें फोटो भी सब वायरल हुए थे, जो काफी मतलब भयानक मार थी, जो पूरे पीठ पे जो है एक एक डंडे की शॉट्स मतलब दिखने लाया, मतलब देख नहीं सकते आप ऐसी थी। और उसमें वो उसने उसको फेस किया, और जिस तरह से हमला हुआ, तो आप सीसीटीवी कैमरे थे सर, सीसीटीवी कैमरे में बकायदे सारे रिकॉर्ड हुए हैं, और उसके घर से जब लाया गया वो भी सीसीटीवी रिकॉर्ड हुआ, पुलिस केस बनी। और आव्हाड को पता ही नहीं था कि एक मामला बढ़ जाएगा। उन्हें क्या, मुझे लगता है कि इसके पहले भी उन्होंने कई ऐसे केसेस किए होंगे, तो लाके जो भी हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा उसको लाने का, मारने का और भेज देने का ऐसा पहले ही चला रहा होगा। हो सकता है बाकी लोग डर के मारे जो है कंप्लेंट नहीं दाखिल किए हो, लेकिन अनंत कुरमुसे जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाया और उसने जो है पुलिस में केस दाखिल किया, और ये मामला राज्यपाल तक भी गया, और इसमें जो उसके बॉडीगार्ड थे चार लोग, उसके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है, और ये मामला जो है वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल है, और वहाँ से ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक गई हुई है। इसमें जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे भाजपा है, और भाजपा की तो अभी सत्ता यहाँ पे है, तो और भी सपोर्ट मिल रहा है उनको, कुरमुसे को। तो ये इस तरह से है मामला पूरा, लेकिन ये कुछ 500 पन्ने की चार्जशीट है वो दाखिल होने जा रही है। उसमें सारे कम्युनिकेशन से लेके जितने डिजिटल एविडेंस है, यानी सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल संपर्क, आव्हाड साहब ने जो है फोन बॉडीगार्ड लोगों किया, कैसे कैसे उनको, जितने कम्युनिकेशन उसमें हुए हैं सारे एविडेंस उसके अंदर है, और इसमें जो है वो जस्टिफाई मांग रहे हैं अनंत कुरमुसे कि भाई हमको जस्टिस चाहिए, अब देखो किस तरह जस्टिस मिलता है। लेकिन ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ा हुआ था, आज भी तूल पकड़ा हुआ है। इसमें अभी तक जो चारों बॉडीगार्ड थे वो तो अरेस्ट हुए थे वो, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनको जमानत हो गई है। अभी आव्हाड साहब का उसमें कुछ मतलब, वो तो पहले से ही बोल रहे हैं मैं मेरा कोई रोल नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन जितने डिजिटल उसमें एविडेंस है उसके आधार पर जो है उनको भी आरोपी बनाया गया है, और ये मामला चार्जशीट जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चार्जशीट फाइल होने जा रहा है। उसके ऊपर क्या डिसीजन आता है उसी पर हम देखेंगे आगे, कि अब ये लड़ाई कब तक चलेगी ये भी देखना है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, ये जो मामला हुआ है, आपने इतने डिटेल में मुझे बताया ना, तो इतना मुझे डिटेल में मालूम नहीं था जी। उसके बारे में मैंने देखा था कुछ पेपर में जो आया उतना ही देखा था, और आपने बहुत ही डिटेल में ये मामला बता दिया है। मुझे खाली एक दो सवालों के जवाब चाहिए। एक ये है कि वो जो मारहाण हुई है जी उनको, तो जो मारने वाले लोग हैं उसमें जितेंद्र शामिल है क्या?
नहीं, मारने वाले में शामिल नहीं है, मारने वाले तो वो उनके बॉडीगार्ड और जो पुलिस वाले थे, अंगरक्षक थे, वो लोग मारने वाले, चार लोग थे जिनका नाम उसमें दाखिल है, आरोपी के उसके एफआईआर में नाम है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज किया, जिसने मारने के लिए कहा है, वो तो मेन आरोपी हुआ है। हाँ, ऐसा ही मगर वहां पे वो जो पूरा शूटिंग हुआ उसमें वहां कहीं उनका चेहरा जितेंद्र आवार का दिखता है क्या, या तो उनका फिजिकल प्रेजेंस दिखता है क्या? वो एविडेंस वो सामने बता रहे कि भाई मारो? नहीं, एविडेंस तो मैं देखा नहीं हूँ, वो तो कोर्ट देखेगी। लेकिन जो उर्मुशे है उसका कहना है कि जो उसने स्टेटमेंट दिया है कि जितेंद्र रावत अपने गेट पे खड़े थे जहाँ सीसीटीवी कैमरे में नहीं था, और वो जो है वहां से मारने के लिए ये कर रहे थे उनको, और मारो और मारो और मारो करके, और ये बेहोश हो जा रहा था। बेहोश होने के बाद जब फिर से उठता था तो फिर मारते थे, ऐसा मतलब काफी डीप तक मारा गया उसको। लेकिन हमारा सवाल ये है सर, क्या ये पनिशमेंट एक नेता को या एक मंत्री को देना सही है? सर मेरे अगर उसने कुछ पोस्ट किया है तो उसके लिए साइबर क्राइम है, उसके लिए काफी पुलिस स्टेशन है, वहां पर गुनाह दाखिल कर सकते हैं, पुलिस में उसमें एफआईआर करके उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। इसके पहले जो एक दूसरी लेडीज थी उसको भी तो अंदर डाले थे, लेकिन उसके साथ तो मारपीट नहीं हुई थी, केतकी चितले। केतकी चितले, तो ये जो मामला है ये, उसको केतकी चितले को 27 जगह गुने दाखिल हुए, ये मालूम है आपको? उसको ये जेल से वहां जाए, ये जेल से, ये 3 महीने जमानत नहीं हुई उसके। हाँ, अंत में उसके सारे एफआईआर रद्द करने पड़े, जो बोले सेम एफआईआर हर जगह, कैसे कोर्ट कैसे मानेगी? बिल्कुल, वो महागाड़ी के जुन में सर, उस समय महागाड़ी की सरकार थी, उसमें जितेंद्र आवार भी मंत्री थे जी, उस समय अपने अर्णव गोस्वामी को जिस तरह से उन्होंने उठाया था जी, पुराने केस में 20 साल पहले वाले केस में, कि तुमने किसी ने आत्महत्या की उसमें तुम्हारा संबंध है, उस समय उसको मारा था सचिन वाजे ने, सचिन वाजे गया था ना उधर, याद है आपको? झड़प हुई थी, झड़प, झड़प हुई सर, झड़प वो होती है कि तुम मुझे और मैं तुमको मारू जी, वो झड़प होती है कि दोनों भिड़ जाते हैं। जब वाजे और उसके लोग थे वो उठा के पटक रहे थे उसको, मार रहे थे घर पे। हाँ, वो उसका वीडियो है ना सर जी, अर्णब का, अर्णब कितना बड़ा जी, जी, ये है कुर्मू से कार्यकर्ता है छोटा, वो तो उसको वाजे और ये इनके कहने से मार रहे थे, कहने मारे, बिल्कुल बिल्कुल मार रहे थे। तो ये हमारे महागाड़ी की परंपरा है, उसके आगे चलो। चलो सर, थाना में ऐसा कौन सा नेता है, एक बार हम बोल चुके थोड़ा सा, कि जिसने अपने कार्यकर्ताओं को इसी तरह से मारा नहीं? बोलो मुझे, मैं नाम लूं? बिल्कुल बिल्कुल। दिगे साहब ने कितने लोगों को मारा, धर पकड़ के कार्यकर्ताओं से मारा कि नहीं मारा? तो पिक्चर में दिखाया है, पिक्चर में एक ही दिखा, और वो भी एकदम प्रिंसिपल के लिए मारा, ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाएगा? तो प्रकाश परंस पे खासदार, उसके चाटा मारा कि नहीं? वो चाटे का 3 दिन उसका ये था, मारा कि नहीं? अनंत रे महापौर 3 बार मारा कि नहीं? वही 3 मारा कि नहीं? सर अनंत दिघे साहब ने जिनको मारा जी, ऐसे कम से कम 30-40 लोग तो मुझे मालूम है। और ये कर्मुसे के ऊपर जो ये सब है ना, उस समय में वो सर आपका ये नहीं था ना चैनल वगैरह जी, जी। तो इसके लिए वो उसका कोई ये नहीं हुआ। और ऐसा है कि अभी तेरे को जितना मारा है उसे डबल मारेंगे अगर तू कंप्लेन वेम्प्लेन करने के जाएगा करके, दिघे साहब की दहशत थी। सर किसने मारा नहीं, मुझे खुद नेताओं के तो मेरा सवाल सर यही है कि सर, क्या ऐसा कितना उचित है? सर देखो, मनसे के लोग अगर राज ठाकरे के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसको मारते हैं कि नहीं मारते? मारते मारते हैं। शिवसेना के लोग मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं। एकनाथ शिंदे के लोग मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते कि नहीं? बट इस तरह सर ये कुछ ही नहीं है, हाथ पांव तोड़ देते हैं। भाई मेरे केबल वाला था वो, मैंने वीडियो दिखाया दिगे साहब के बारे में, तो उसको सर को तो रिवॉल्वर मार दिया था दिगे साहब ने, खुद रिवॉल्वर उठा के उसको मार दिया था, और 10 लाख का केबल काट दिया था उसका, फिर पूरा रक्तमंबर हुआ था। तो और बड़ी बात ये हो गई कि मैंने केबल निकाला था, मतलब वीडियो, मेरे को कुछ नहीं हुआ, और उसको बेचारे को मार दिया। सर थाना की ये परंपरा है,
नेता लोग जो है सर रोज 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 पैसे के लिए है। सर वसूली का धंधा हमारे यहाँ पुलिस वाले करते हैं, ये क्या है ना कर्म से पॉलिटिकल केस बन गए जी, इसके लिए उसको ज्यादा अहमियत मिल रही है जी। और हमारे यहाँ सर वसूली करने का धंधा पुलिस वाले कितना करते हैं, रात को जो पुलिस कस्टडी में लोग आते हैं ना उसमें व्यापारी लोग रहते हैं, बिल्डर लोग रहते हैं, उनको क्या मारते हैं, बोलते इसका पैसा कब देगा, और जितना पैसा वसूल करके देते हैं उसे 25% 30% लेते हैं। कल ही मेरे एक दोस्त को 1 करोड़ रुपया किसी इसने वसूल करके दिया, 25 लाख रुपया लिया उसने। सर ये कॉमन है। और कर्मुसे का ऐसा हो गया कि वो कर्मुसे जो है वो बाबा भिड़े करके, भिड़े गुरु जी करके एक है जी। उनका चेला निकला तो उसके लिए उनका सपोर्ट उसको मिल गया करके ये बात आगे बढ़ी। बाबा भिड़े, अरे बाप रे, बाबा भिड़े मानो जैसे भिड़े गुरु जी जो है वो हिंदुत्व के एक बड़े अग्रणी नेता है जी। और महाराष्ट्र में हिंदुत्व के लिए बड़ी मुहिम चलाते हैं और साधु आदमी है जी। मगर साधु है, मगर उनके पास ऐसे लोग भी हैं कि जो ऐसा वोट दिखाए तो वो उसको मार भी देंगे, ऐसे भी हैं। मतलब वो कभी देश भर में साधु लोग रहते हैं उनके अखाड़े रहते हैं ना जी, उसमें भी क्या क्या प्रकार के लोग रहते हैं आपको मालूम है। तो सर दूसरी बात ये है कि से तुम्हारा जितेंद्र आव्हाड़ का एक वीडियो आया था जिसमें उसके ऊपर इसका केस, विनय भंग का केस लगा दिया। सर वो वीडियो 100 बार टीवी पे दिखा है, उसमें एकनाथ जी शिंदे गाड़ी में बैठे हैं, सामने देख रहे हैं इसको, जितेंद्र को वट को हाँ, वो औरत आ रही है, वो औरत सामने से आती है, वो दिखाई देता है क्लियर कट, जितेंद्र उसको बोलता है अरे ताई कुठे इकड़े तुम्ही घुसता है गर्दी मध्ये धक्क्याबुक्की मध्ये, जरा वहां बाजूला। सर मैं भी करता ये, अगर मेरी कोई बहन जैसी एक औरत है और वो बीच में आ रही है और पब्लिक है, वो पब्लिक में उसको धक्का लग सकता है, गलत तरीके से कोई मिसबिहेव कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, अरे आई बाजूला ओवर तू कशाला गर्दी में देते, स्वाभाविक भावना से उत्स्फूर्तता से मैं बोलूंगा। वो उसी तरह से वो पेशा है जितेंद्र आव्हाड़, मैंने वो 100 बार देखा है वीडियो, मैं भी देखा। सर उसमें एक बहन के लिए जो प्यार रहेगा, काइजी रहेगी, सुरक्षितता की एक ये रहेगी, वो उसमें है। अरे ताई चल हो बाजूला बाजू। सर गलत इरादे से आदमी जब किसी को बाजू करता है तो वो इस तरह से नहीं करता है, उसके चेहरे पर भाव भी अलग रहते हैं। और इतने हजारों के मॉब में जितेंद्र को किसी औरत को ऐसा पकड़ के विनय भंग करने की जरूरत है? सर उसके ऊपर मरने वाली लड़कियों की संख्या 100 में थी, कितने 100 लड़कियां उसके ऊपर मरती थी मुझे मालूम है। तो सर उसके ऊपर केस कर दिया ना, हुआ ना। और केस होने से पहले उसका पिक्चर आ गया जमा शिंदे साहब पे मिली, नहीं शिंदे साहब को मिली, इसका भी पिक्चर आ गया। तो कैसे है ना पॉलिटिकल लड़ाई, थाना में शिंदे साहब को टक्कर देने वाला एक ही आदमी है, वो है ये जब तक खत्म नहीं होता है तब तक वो सेफ नहीं होते, तो वो करेंगे। तो मेरा सवाल सर यही है, वो 500 पेजेस का नहीं है सर, अभी तो ये तुम्हारा वानखेड़े कल तक का हीरो जी, सिंघम अभी उसके ऊपर 3000 पेज का आरोप पत्र है, संजय के ऊपर 1500 पेज का है। सर ये पेज बढ़ाने का कोई मामला आप छोड़ो ना, ये ईडी के सामने 9.5 तास 10 तास ये होता है ना, तो 10 तास पूछताछ नहीं करते, बीच बीच में आके करते हैं, खाना पीना चालू रहता है, ये रहता है, ये 500 पेज का 1000 पेज का ये है, ये मत छोड़ो। सर सुप्रीम कोर्ट, अभी मैं हमेशा बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ये मामले में कर्मुसे मामले में जितेंद्र को दोषी नहीं ठहराएगा, लिख लो, बड़ा मैं विधान कर रहा हूं सर, उसका प्रूव करने लायक कि इसने बोला और मारा। सर कार्यकर्ता परस्पर भी मारते हैं, कार्यकर्ताओं को गुस्सा आता है या पुलिस वाले भी उनके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनको भी इमोशनल आउटब्रेक होता है उनका। सर मेरे ऊपर हमले जब हुए जी, तो मेरे ऊपर हमले करने वाले लोग जिस आदमी के लिए लड़ने के लिए आए थे, मेरे को मारने के लिए आए थे, वो आदमी को पता ही नहीं था कि हमारे चेले चपाटे गए इसके घर पे ये करने के लिए।
भाई उसको जब पता चला कि मेरे चेले चपाटे थते साहब के घर जा रहे हैं, तो उसने कमिश्नर को फोन करके बोला कि भाई इनको रोको, पहले ताबे में ले लो सर, मेरे घर पहुंचने के पहले वो अरेस्ट भी हो गए। उसको मालूम नहीं था, और ये बात जितेंद्र की ही हुई। लेकिन सर जो ये घटना हुई है उस पर आप क्या मानते हैं, सही है गलत है? क्या जो घटना हुई है, हाँ, किसी मंत्री बंगले बुला के अगर किसी को मारा जाता है ला के, वो सही है गलत था? सर अगर तुम किसी की अबरू निकालते हो, सर मैं उदाहरण देता हूँ आपको, रास्ते पे हम चल रहे हैं, तुम और मैं चल रहे हैं, एक लड़की जा रही है और वो लड़की का ऐसा कोई ब्लाउज या पदर ये या पल्लू खींचता है, हाँ, और वो लड़की भयभीत हो जाती है, तो आप क्या करेंगे और मैं क्या करेंगे? वो जो गुंडा जिसने उसका ये खींचा है उसको सर इतना मारेंगे, नीचे दबा के मारेंगे उसको, कहाँ कहाँ मारेंगे, मैं तो मारूंगा। वो एक औरत एक लड़की जा रही है, तू उसका पल्लू खींच रही हो, तेरे बाप का राज है क्या साला, तू क्या समझता है खुद को, हम मर गए, हम मर्द नहीं है क्या, हमारा रक्षण बहन की रक्षा करना फर्ज बनता है। वैसे ही है सर, एक इतना बड़ा जो कल का सर मुख्यमंत्री हो सकता है जितेंद्र, मैं लिख के रखो सर, एक दिन जिस दिन एनसीपी का कुछ होगा जी, उस दिन ये या तो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, अभी भी विरोधी पक्ष नेता अभी भी बन सकता है सर। देखो केजरीवाल और पवार साहब बैठे उनके पीछे, वो बैठ के दोनों से बात कर रहे हैं, कल का वीडियो देखा आपने? देखा सर, उसकी अहमियत आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में इतनी है कि वो जो अजीत दादा के से भी ज्यादा है, जयंत पटेल से भी ज्यादा है, सिर्फ सुप्रिया सुले के बाद है। जैसे शिवसेना में उद्धव जी, आदित्य, बाद में संजय, तो जो संजय की भूमिका है नंबर तीन की, वो आज जितेंद्र के पवार साहब के लिए सब बड़ी बातें जो रहती है। सर अभी क्या बताऊं मैं, शिंदे ये तुम्हारे पवार साहब का कितना विश्वास है जितेंद्र के ऊपर, अभी अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं विरोधी पक्ष के, उनसे बात करने के लिए जितेंद्र को भेजा जा रहा है। परसों में बात किया फोन में, बोला मैं चेन्नई में हूँ, मैं बोला चेन्नई में क्या कर रहे तू, बोला स्टालिन से बात करने साहब ने भेजा है मुझे। ये जितेंद्र है जी। और ऐसे आदमी को जो नेशनल लेवल पे, जैसे कल अगर संजय का किसी ने ऐसा नंगा तस्वीर दे दिया, तो सर संजय को मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं ही जाके उसको ठोक दूंगा। क्यों नहीं ठोकूंगा, संजय क्या आम आदमी है क्या, बड़ा आदमी है, उसकी इज्जत है, तुम उसकी अर्धनग्न ये करते हो। और सर क्या होता है ना, इनको अगर हम कोर्ट में लेके जाते हैं, खटला करते हैं, तो उनको 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया शिक्षा देते हैं, इससे ज्यादा होता नहीं है सर। उनको दहशत कैसी बैठेगी, कैसी बैठेगी, 1000 रुपये भरून टाकले, मारा काय फरक पड़ला, देऊन टाकले 1000 रुपये, जब गांड पे लात पड़ती है ना उसके, तब उसको समझ में आता है कि ये इतना आसान नहीं है किसी की बदनामी करना। तो मैं तो बोलता हूं जो भी इस तरह से अर्धनग्न तस्वीरें करके ये करता है सर, यही न्याय आप अमृता फडणवीस के बारे में भी देखो ना, क्या कभी सरकार ने कितना एक्शन दिया, सबको अरेस्ट किया, कितना बड़ा ये कर रहे हैं। तो वो अगर इसका कोई नंगा ये करता है तो उसको सबक तो कैसा मिलेगा, अभी कर्म से कम से कम आगे चल के ऐसी गंदे तस्वीरें डालेगा नहीं, नहीं डालेगा, नहीं डालेगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि अभी ये है। हाँ सर, जितेंद्र की जगह मैं होता ना जी, हाँ, तो मेरे को जरा थोड़ी ज्यादा अकल है, मैं उसको बंगले पे नहीं लाता था, उसको वही के वही तरातर तरातर मार के यही मारने का, और पुलिस को नहीं यूज करता था, उसके पास कम गुंडे क्या। जितेंद्र आवाड़ यही एक नेता ऐसा है कि जो हर महीने 10,000 रुपये कार्यकर्ताओं को देता है, वो शान से जिए, मस्ती नहीं करे, इधर उधर से पैसा भीख मांगते हुए नहीं घूमे। और वो ऐसे कितने लड़के, वो बात बताऊंगा तो आप तो पागल हो जाएंगे, इतने लड़कों को 10,000 रुपये महीना मिल रहा है इसे जितेंद्र से, और किस लिए मिल रहा है, स्वाभिमान से रहो साला, चिल्लमगिरी मत करो। तो उनमें से एक 8-10 लड़कों को बोलता था, अरे कर्मशेला जाऊन जरा घर मारा ना,
तोंडाल फड़की बांधे हस्ती गेले से मारला असत, ये सही है क्या? सही है सर, किसी मंत्री के द्वारा इस तरह का मार, सर मंत्री हो के सर मेरी बहन के या मेरी रिलेटिव्स किसी मेरे बारे में भी कल अगर कोई करता है जी, तो सर कर्मुसी को खाली उसने कानून भी तो है क्या? ये कि कानून भी तो है सर, कानून से चल रहा है क्या सब? कानून से चल रहा है सर, थाना में जो कुछ चल रहा है, थाना में बात करो, देश की बात दिखाओ ना मुझे। तुम अतिक को कानून से मारा क्या? अतिक को, अतिक तो खासदार था, मारा क्या? ये कौन सा कानून कहता है कि उसने कोई गुनाह किया करके उसका बुलडोजर से घर ही उड़ा दो? ये कानून है? ये कानून है? कहाँ लिखा है ऐसा कि घर तोड़ दो? कहीं नहीं लिखा है, मगर योगी आदित्यनाथ कर रहा है और हम उसकी तारीफ करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए। आपका समर्थन है पर जितेंद्र आवास के ऊपर जिस तरह से सर जितेंद्र की जिसने अपराध किया है जी, एक तो वो अपराध में जितेंद्र की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो उसने फोटो पोस्ट किया उसका कोई समर्थन नहीं, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होगा वो सही है सर? ये गलत है तो ये भी, ये सही है तो वो सही है, ये खुद को सही मान के ही चला ना। ये गलत फोटो डाला तो उसके दिमाग में अगर ये होता कि ये गलत है तो डालता था? नहीं डालता। उसका फोटो डालो ना या उसके घर वाले में से किसी का डालो ना ऐसा फोटो, फिर देखो तू कर्म से कैसा कसमसा होता है, वो भी रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, मुझे तो लगता है ये ऐसे नंगी तस्वीरें वगैरह वगैरह करने वाले को सबको कर्म से ही करना चाहिए। भाई जिंदा छोड़ा ना उसको, बस हो गए, बहुत हो गए, मारना ही चाहिए। और यही है सर, हम पॉकेट मार को मारते क्यों हैं? क्योंकि उनको मालूम है हमको इसको पकड़ेंगे पुलिस, दो दिन में जामीन हो जाएगा, फिर ये छूट जाएगा। सर अभी कल एक पॉकेट मार को थाना में पकड़ा है, 37 केस उसके पॉकेट मार के और चेन स्नैचिंग के 100 केसेस है, मतलब दो दिन अंदर जाता है बाहर। सर एक बार प्लेटफॉर्म पे मिल जाए और उसका पूरा आगे पीछे का तोड़ दिया ना, एक बार फोड़ दिया ना, तो फिर चोरी करने नहीं जाएगा? क्यों मारते हो चोर को पकड़ा तो? मारते कि नहीं, कैसे मारते? उसको सबक तभी मिलता है, वो जेल में नहीं मिलता है। सब ये कैदी जेल कोठड़ी में डरते हैं, पुलिस कोठड़ी को, जेल को नहीं डरते हैं। उनको न्यायालय हो गई तो छूट गए, वो वहां अंदर कुछ नहीं है, पुलिस कोठड़ी में रात को मारा जाता है। तो पुलिस जिस तरह से उनको मारती है सर, उसका स्टाइल है, एक पुलिस ने मुझे सिखाया है, वो बोला उसका निशान भी नहीं रहे और उसको तलाखा कैसे मारने का उसका स्टाइल है। बोला ये आप मत सोचो, हम पुलिस वाले रात को मारते हैं, सुबह कोर्ट में जाके वो बोल नहीं सकता है, एक तो उसको दहशत है कि कल फिर रात को मारेंगे। सर पुलिस जो मारते हैं ना रोज पुलिस कोठड़ी में जी, उसके आगे कर्म से वगैरह कुछ नहीं। हाँ 500 पेज का क्या है सर, बनाना है तो 1000 पेज का बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आज लिख लो इसमें ये निर्दोष रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई पुरावा नहीं है कि इसने बोला और उन्होंने किया। उनमें से एक भी आरोपी ने ये नहीं बोला कि इनके कहने से हमने किया, उन्होंने ये बोला है कि हमको गुस्सा आया हमने किया है कि नहीं? फिर बिल्कुल जितेंद्र को कुछ नहीं, जितेंद्र का उर्जित अवस्था आने वाला है। शरद पवार को मालूम है कि एकनाथ शिंदे की टक्कर में एक ही पूरे महाराष्ट्र में आदमी है, वो है जितेंद्र, तो उनके ताकत देंगे, सब देंगे ताकत, और विरोधी पक्ष नेता बन सकते हैं, प्रदेशाध्यक्ष बन सकता है, और कहीं ना कहीं 10 साल में 15 साल में कभी ना कभी तो वो मुख्यमंत्री बनने वाला ही है। थाना का दूसरा मुख्यमंत्री वही रहेगा, एक जमाने में हम वसंत राव करके बोलते कहते हैं बोलते। तो जितेंद्र है ना, वो जो करता है वो सब करते हैं, पकड़ा जाता है वो चोर, ये पकड़ा गया नहीं है, ये नहीं पकड़ा गया है, उसके लोग पकड़े गए। ये सर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो, इसको जेल जाना नहीं है, लिख लो। मैंने भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से बात की है कि इसका क्या होगा। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा चर्चा यही था कि अनंत कुरमुशी के ऊपर जिस तरह से हमला हुए थे, जिस तरह से उनको ला के मारा गया था एक फोटो पोस्ट के ऊपर जितेंद्र आवाट के द्वारा, तो जिस तरह से वो चार्जशीट दाखिल होने जा रही है। जितेंद्र के दावार के द्वारा मत बोलो, वो चार लोगों ने किया है, जितेंद्र ने नहीं मारा है उसको, आरोप नहीं लगा है सर, आरोप तो है। क्या है, उसने मारा करके मरवाया करके, तो ऐसा कोई भी किसी को बोल सकता है कल मुझे रास्ते पर मार पड़े मैं बोलूंगा शाम गिरे ने मुझे मारा, ऐसा थोड़ा है, सिद्ध करना पड़ता है। इस घटना पर आपके क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।